हेलो भाई, मैं सोनू सैनी। तो यार आज हम ड्राइवर रिव्यू करने वाले हैं इस i20 IVT का। भाई आपने मैनुअल वाली तो बहुत देखी होगी भाई ड्राइवर रिव्यूज, बट आज हम करके दिखाएंगे आपको i20 IVT का। देख सकते हैं आप, फुली ऑटोमेटिक है ये गाड़ी, और ये भाई 1200 cc इंजन के साथ आ जाती है, जिसमें आपको पावर मिल जाती है 89 bhp और 113 Nm का टॉर्क। और देख सकते हो भाई काफी ज्यादा जबरदस्त है गाड़ी चलने में, और कब ना गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है ना, कब गाड़ी गियर शिफ्ट कर लेती है ना, बिल्कुल पता भी नहीं लगता। और बाकी सच है भाई, गाड़ी जैसे ना इसका हार्ड एक्सेलेट करते हैं, गाड़ी एक अलग से डाउन शिफ्ट करके ना फिर भागती है पूरी। देखो मैं कर, और भाई जो ये साउंड करती है ना इतनी ज्यादा जबरदस्त लगती है ना, मतलब इतनी अच्छी फील आती है इसको ड्राइव करके, और कोई वो नहीं, आपको आराम से बैठना है, बस रेस और ब्रेक दबानी है। एक आप सबको पता होगा यार, इसमें ना वो भी आती है, एक एनलाइन आती है जो टर्बो वेरिएंट के साथ आती है, वो उसमें आता है DCT गियरबॉक्स, बट इसमें आता है IVT। देख सकते हो आप, इसमें IVT गियरबॉक्स आता है जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त है चलने में और स्मूथ भी है। और बस मेन तो ये है, इसमें बिल्कुल भी नहीं, अगर आप लाइट पैनल के साथ इसको यूज कर रहे हो ना, गाड़ी को चला रहे हो, तो आपको फील भी नहीं होगा गाड़ी कब गियर शिफ्ट कर रही है। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है चलाने में भी, और वैसे भी भागने में भी काफ़ी ज़बरदस्त है। देखो जैसे डाउन शिफ्ट किया और भागी एक लगत से, मतलब ज़बरदस्त चीज़ है ये i20। अभी हमारे पास इसका एस्टा ऑप्शनल मॉडल है, बिल्कुल टॉप मॉडल है जो, जिसमें आपको पता ही है, देख सकते हो टच स्क्रीन मिल जाती है इसमें आपको 10 inches की। ये देखो भाई गाड़ी कितनी ज़बरदस्त है ये। अभी हम हैं i20 IVT में, और इसमें वो नहीं यार, जैसे आप ना ब्रेक छोड़ते हो ना, गाड़ी अपने आप चलना स्टार्ट कर देती है, ऐसा नहीं कि जब एक्सेलेटर दबाओगे तभी गाड़ी चलेगी। अब देखो मैं थोड़ा एक्सेलेट करके देखते हैं इसको, जबरदस्त है भाई जबरदस्त, और मजे भी पूरे आ रहे हैं इसको ड्राइव करने में। Hyundai i20 एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट IVT, और इसमें ना एक स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है, उसमें भी आपको IVT का ऑप्शन मिल जाता है। स्पोर्ट्स और एस्टा ऑप्शनल में IVT का ऑप्शन, एक इसमें आपको पता ही है DCT है, वो तो है ही जबरदस्त चीज, बट ये भी किसी से कम नहीं है भाई, ये भी काफी जबरदस्त है। इसकी जैसे मैं ब्रेक छोड़ता हूँ गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है आगे, देखो बिना रेस के चल रही है अभी, बिना एक्सीलेट किए हुए, और स्टेयरिंग भी इतनी ज्यादा जबरदस्त है, इतना ज्यादा लाइट है ना। यार जबरदस्त यार, वैसे सच्ची ना पर्सनली मैंने जितनी भी अभी तक ऑटोमेटिक गाड़ियां ड्राइव की है ना, उनको मजा आता है काफी चलाने में, क्योंकि यार एक तो आप बिल्कुल कंफर्ट होके बैठते हो, और कोई ये वो रिलैक्स होके बैठते हो बिल्कुल, ये नहीं कि आपको अब गियर वो करना है, गियर डालना है, क्लच छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस आराम से बैठना है गाड़ी में और आप अपना चलाते रहो इजिली वे में। ब्रेक छोड़ रहा हूँ चल रही है, ब्रेक छोड़ रहा हूँ चल रही है, और इसमें ऐसे है यहाँ पे आप इसको मैनुअल चला सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो गियर, और इस तरफ वो आपका ड्राइव अगेन न्यूट्रल रिवर्स पार्किंग ऐसे है भाई ये। चलो भाई चलो, आगे लाइट और रखी थी दैट्स वाई हमें रुकना पड़ा, बाकी हॉर्न भी भाई अच्छा मिलता है इसमें। Hyundai भाई, Hyundai होता है या Hyundai होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई क्या होता है वैसे। बाकी यार कमेंट में तो आप स्पेलिंग ठीक ही लिखोगे, क्या ही पता लगेगा वैसे यार, तो काफ़ी इसका ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है देखने में। देखो एक लो से उठती है गाड़ी, ये देखो भाई कहाँ से लेके जा रहा है, डिवाइडर पे से चढ़ा के ऊपर। तो भाई ऐसे कुछ है, मेरे को सच्ची बड़ी ज़बरदस्त लगी यार ये गाड़ी चलाने में भी, पिकअप भी अच्छी है, भागती भी अच्छी है, और गियर शिफ्टिंग कब हो जाती है ना पता भी नहीं लगता, हल्का सा भी जर्क भी नहीं फील होता गाड़ी में। देखो डाउन शिफ्ट किया, और तो भाई ऐसी कुछ थी ये वीडियो, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। तो ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। See my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to